स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं CMRUA की 2023 के बारे में। तो चलिए इसका फुल फॉर्म देते हैं। सबसे पहले CMR यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है। ये एग्जाम कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है खुद CMR यूनिवर्सिटी के थ्रू। अब गाइस, यहाँ पे अगर आप लोगों को CMR यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट और भी इसी तरह के कई सारे वेरियस फील्ड में न्यूमरस कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को CMRUA की 2023 का एग्जाम क्लियर करके क्रैक करना जरूरी है। तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल में जानते लगे आपका एप्लीकेशन। और गाइस, जो एग्जाम है दोनों ही ऑनलाइन मोड में यहाँ पे कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इसकी एग्जाम डेट्स की बात करें तो अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू आप लोगों की डेट्स अनाउंस नहीं की गई है। जैसे ऑफिशियल अथॉरिटी आप लोगों की डेट अनाउंस करेगी, उसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे। उस वीडियो में आपको हर एक इवेंट, लाइक एप्लीकेशन कब रिलीज होगा, एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करना है, एग्जाम कब कंडक्ट होगा, हर एक इवेंट आप लोगों को डेट्स एक्सप्लेन करके नोटिफाई कर देंगे। नेक्स्ट मोड टू एप्लीकेशन फॉर्म। सो गाइस, आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते जब आप कोई भी गलती करो, कोई भी मिस्टेक या इनवैलिड डिटेल्स एंटर करो, आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकता है। मेन रीजन ये होता है कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं, कोई आइडिया नहीं होता किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, आप लोगों का जो गाइस यहाँ पे प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर किस तरह से स्कैन करना है, प्रिस्क्राइब साइज और फॉर्मेट में अपलोड करना है, कुछ नहीं पता होता। जस्ट एप्लीकेशन फिल किया है, सबमिट कर देते हैं, जिस वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। तो गाइस, आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जैसे आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में गाइस आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। जी हाँ गाइस, फ्रॉम स्टेप वन आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन, इवन एप्लीकेशन फी तक आप लोगों को पे करके बताया जाएगा। तो सिंपली मेक श्योर कीजिएगा अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत न हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। अब गाइस, नेक्स्ट बात कीजिए एप्लीकेशन फी की, तो गाइस यहाँ पे आपकी 750 रुपीज एप्लीकेशन फी रहेगी, 500 रुपीज आप लोगों की एप्लीकेशन फी रहेगी आपकी BSc कोर्सेज के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। अब गाइस, अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसके लिए कंपलसरी मैंडेटरी कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करें, और एल्स यू कांट अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। बट गाइस, यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक कोर्स के लिए अलग है, लाइक बीटेक के लिए बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीई, बीटेक, हर एक कोर्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो चलिए बीटेक की अगर बात की जाए, तो आप लोग यहाँ पे 12 पास आउट रहने चाहिए विद 50% मिनिमम मार्क्स एंड मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, और 45% फॉर एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे है। उसी तरह से बीकॉम, बीएससी सबके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी और अलग अलग सिलेबस है। तो गाइस, अगर आपको अपना जो है कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेबस चेक करना है, तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके वहां से आप पर्टिकुलर एक एक कोर्स वाइज अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, अपना सिलेबस वहां से डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करें अगर एग्जाम पैटर्न की, सो गाइस आप लोगों का जो एग्जाम है यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड है, आपका एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन, चारों में से जो भी ऑप्शन सही लगे सिंपली वो एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। एक मार्क्स दिए जाएंगे आप लोगों को, सही आंसर पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे नहीं रहेगी। अब बात करते हैं गाइस एडमिट कार्ड की, तो गाइस आप लोगों का एडमिट कार्ड क्या है, यहाँ पे विदाउट एडमिट एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जब एडमिट कार्ड रिलीज होता है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता, वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते, इवन एग्जाम के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाते। तो आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, इसलिए सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होगा, एडमिट कार्ड रिलीज होते हम आपको वीडियो के थ्रू नोटिफाई कर देंगे। वीडियो में लाइव एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताया जाएगा, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका होगा। सेम एज इट इज फॉर आंसर के रिजल्ट एंड काउंसलिंग, आपके सारे जो है यहाँ पे इवेंट्स आपको बता दिए जाएंगे, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करने है, आपका इवेंट, पर्टिकुलर इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस, नाउ आई होप आप लोगों का CMRUA की 2023 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।